बिहार सरकार के द्वारा किया गया जातीय जनगणना में हुई गड़बड़ी और गलत जनगणना के विरोध में तथा फिर से गणना करने की मांग को लेकर दरभंगा में कई विधायक बैठ गए धरने पर। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन दरभंगा की ओर से बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना में साजिश के तहत वैश्य समाज की जनगणना को घटाकर प्रकाशित करने के विरोध में दरभंगा पर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष स्थानीय धरना स्थल लहरिया सराय में एक दिवसीय धरना दिया गया। गुरुवार को बिहार सरकार के खिलाफ जमकर किया गया नारेबाजी। कहा, जिस वैश्य समाज की आबादी अधिक थी उसे बिहार में हुई जातीय जनगणना में और पहले से भी कम कर दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है, इसलिए इस गड़बड़ी को ठीक कर फिर से जनगणना कर ठीक किया जाए। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक विशेष संप्रदाय एवं विशेष जाति के जातीय जनगणना की आबादी को बढ़ाकर दर्शाया है और इस सरकार ने वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों को जातीय जनगणना में कम दिखाई है, इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो भी त्रुटि है जनगणना में उसे सही कीजिए। प्रत्येक पंचायत वार्ड जनसंख्या का प्रकाशन करिए। वार्ड स्तर पर आंकड़ा जारी करने के लिए कहा गया। सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक विशेष संप्रदाय और एक विशेष जाति के जातीय जनगणना में उनकी आबादी को बढ़ाकर दर्शाया और वैश्य समाज की सरकार ने वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों को जातीय जनगणना में कम दिखाया और एक सोची समझी साजिश के तहत एक विशेष संप्रदाय और एक विशेष जाति को बहुत ज्यादा दिखाया, इसलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अविलंब जो त्रुटि है जातीय जनगणना उसको सही करिए। प्रत्येक पंचायत और नगर निकाय के वार्ड जनसंख्या का प्रकाशन करिए कि लोग सभी लोग अपनी अपनी जाति का देख सकें। आप पूरे राज्य स्तर पर जारी कर दिए आंकड़ा, आप हर पंचायत स्तर पर वार्ड स्तर पर आंकड़ा जारी करिए और जो आप साजिश कर रहे हैं इसके खिलाफ वैश्य समाज एकजुट होगा और आपके साजिश को पर्दाफाश करेगा। आज हम लोग दरभंगा प्रमंडल स्तरीय धरना दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे और आगे इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा और नीतीश और तेजस्वी को नेस्ताभून वैश्य समाज के सभी लोग मिलकर करेंगे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जातीय जनगणना से आप लोग डर गए, लगता है कि आप लोगों का जो 24 में है खेल खत्म कर दिया। सर्वदलीय सभी दलों ने जातीय जनगणना का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री तक हम लोग गए थे, हमारे जनक राम जी हमारे पार्टी के नेता उस प्रतिनिधिमंडल में थे और विधानसभा में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया था उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। लेकिन जो जातीय जनगणना में जो इन्होंने एक विशेष संप्रदाय की आबादी को बढ़ा दिया, एक विशेष जाति की आबादी को बढ़ा दिया, क्योंकि सही से जनगणना ने इसकी आपत्ति हम लोगों की वैश्य समाज की वैश्य महासम्मेलन की आपत्ति यही है कि आपने जो है सही से जातीय जनगणना नहीं की। अगर आपकी मंशा सही है तो आप इसका प्रकाशन सही ढंग से करिए, सार्वजनिक करिए, हर पंचायत वाइज आंकड़े को सार्वजनिक करिए, हर नगर निकाय के वार्ड वाइज आंकड़े को सार्वजनिक करिए। आपकी मंशा सही नहीं है इसीलिए आप पूरे राज्य स्तर के आंकड़े को सार्वजनिक कर दिए। यहां हम एमएलए एमएलसी बैठे हुए हैं, जब हमारे यहां कोई जातीय जनगणना करने वाला नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता तक कितना गया होगा। इसीलिए हम लोग का कहना है कि अगर आपकी मंशा सही है तो प्रत्येक पंचायत वार्ड आंकड़े को आप सार्वजनिक करिए, वार्ड वाइज आंकड़े को सार्वजनिक करिए, तब आपने जो धोखाधड़ी किया है वैश्य समाज के साथ वो धोखाधड़ी आपकी जो है सभी लोग देखेंगे, जो हम लोग का आरोप है। नीतीश जी और लालू जी राज्य सरकार ने जो वैश्य समाज को जातीय जनगणना में एक साजिश के तहत उनका मतलब कि नीचे घटाने का काम किया, इसी के विरुद्ध में आज दरभंगा प्रमंडल में एक दिवसीय धरना है। इस धरना के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ बिहार सरकार को, नीतीश जी लालू जी और तेजस्वी जी को, जो आपने एक साजिश के तहत धोखाधड़ी करके जिन नेताओं और जिन अफसरों ने इस तरह का वैश्य समाज
उसको जातीय जनगणना में उनके अधिकार से वंचित किया है। उनका 2011 में 21-22% था, उस हिसाब से अभी 27-28% होना चाहिए था, लेकिन घटा करके 15-16-17% किया है। तो जिन नेताओं और जो पदाधिकारी इसमें संलग्न है उनको सजा होनी चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए, और जो आपने साजिश के तहत ये काम किया है उसको आप पंचायत और वार्ड लेवल पर इनका फिर से ये जातीय सर्वे करें, जनगणना करें, और जो ये वैसे समाज का जो अधिकार है उनको 25-30% उनका जातीय जनगणना में आरक्षण होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वैश्य समाज 24 और 25 में आपकी खटिया खड़ी कर देगी। वैश्य समाज के समर्थन से, सहयोग से सरकार बनती है, और माननीय नीतीश जी, लालू जी, आप बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे हैं, वैश्य समाज को छेड़ने का काम किया है। वैश्य समाज आपको छोड़ेगा नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेगा और आपके औकात को 24 और 25 में दिखा देगा। सारे वैश्य समाज आज हम एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, और धरना के माध्यम से मैं जो स्टेट के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, आपने जो वैश्य समाज को हमेशा छलने का काम किया है उस छलने पर थोड़ा ब्रेक लगावे, और हम लोग को अधिकार का जो हरण किए हैं, जो गणना में जो हम लोग को नीच करके दिखाया गया है उस गणना को ठीक करने का काम करें। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये गणना का स्वरूप एक वार्ड स्तर पर हो, और वार्ड स्तर पर फिर से दोबारा गिनती करके वार्ड स्तर पर इसका रिजल्ट प्रकाशित करे, तब ये उसको संतोषजनक माना जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक सारे वैश्य समाज एकजुट होकर के अपनी मांगों के लिए जब तक मांग पूरा नहीं करेगा तब तक अपने मांग के लिए जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, ईट से ईट बजाने का जरूरत पड़ा तो बजाने का काम करेंगे। लेकर हम लोग दरभंगा प्रमंडल मुख्यालय पर राज धरना के लिए बैठे हैं। हमारा 5 सूत्री मांग में पहला मांग है कि 56 उपजातियों को संख्या के हिसाब से जनगणना किया जाए, और साजिश के तहत घटाकर जो त्रुटिपूर्ण प्रकाशन किया गया है उसको पुनः प्रकाशित ढंग से किया जाए। दूसरा, वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों को जातीय एक गणना में एकीकृत करके किया जाए, जो हम लोग 56 उपजाति हैं। तीसरा मांग है, राज्य में जातीय जनगणना में वैश्य समाज की आबादी को साजिश के तहत दोषी पदाधिकारी एवं साजिश जो किए हैं उसके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। राज्य में जातीय जनगणना से वंचित परिवारों को प्रखंडवार टोल फ्री नंबर जारी कर वंचित परिवारों को जातीय जनगणना में शामिल किया जाए। और पांचवा और अंतिम ये है कि राज्य में जातीय जनगणना का प्रकाशन वार्ड बाय पंचायत बाय किया जाए, जो छूटे हुए हैं उसे पता चलेगा। हम लोग को विधानसभा विधान परिषद को कॉपी दिया गया है, पूरे बिहार के जातीय जनगणना को एक साथ करके उसको हम लोग चाहते हैं पंचायत बाय और वार्ड बाय। क्या नाम हुआ? तरुण। जो जनसंख्या का आपने काउंटिंग करवाया उसमें आपने सबसे कम टैक्स को दिया। आपको बता दे फुट में भी 22 से 25 की संख्या परसेंटेज में हमारी बैस की थी, और आज आपने उससे भी घटाने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको डर लगता है कि आपकी कुर्सी कहीं छीना नहीं जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमारे नरेंद्र मोदी, आज हमारे वैश्य के बेटा, अगर वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर अगर विराजमान है तो आप ये पूरे भारत में ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार में वैश्य की संख्या बहुत ही कम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैश्य की संख्या सबसे ज्यादा है। आप अनुमान लगा लीजिए, आज मैं बता देता हूँ कि 26 जातियाँ हैं हम लोगों बैंस में, 26 जातियाँ हैं, और 26% हम लोगों को आरक्षण चाहिए, नहीं तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग लड़ते रहेंगे। ऐ नीतीश कुमार जी, ऐ लालू यादव जी, आप अपने काम को खोल करके सुन लीजिए हमारी आवाज।